हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? लेट अस सी। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी सार्थक शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस को इंगित करे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है, पूरी बात स्पष्ट हो रही है। सेकंड, ए ब्यूटीफुल पीकॉक इज डांसिंग। एक सुंदर मोर नाच रहा है। इससे पूरा सेंस क्लियर हो जा रहा है। तो क्या हुआ? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी स्पष्ट अर्थ को इंगित करे बताए उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। Every sentence has two parts, namely a subject and a predicate. यानी हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा predicate. ठीक है, चलिए अब इनको हम चलते हैं वन बाई वन लेकर के। ठीक है ना, सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट जो है वाक्य का पहला वाला भाग होता है, दैट टेल्स, जो हमको ये बताता है व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट, कि वह वाक्य सेंटेंस किस बारे में कहा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस का पहला वाला हिस्सा होता है। ठीक है, दैट टेल्स व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेडिकेट। What is the predicate? The predicate is the second part of a sentence. That says something about the subject. ठीक ना? Predicate जो है वाक्य का दूसरा वाला भाग होता है जो subject के बारे में कुछ बताता है ना? That says something about the subject. जो subject के बारे में कुछ न कुछ बताता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। एग्जांपल लीजिए, चलते हैं एग्जांपल लेकर के। नेहा रीड्स अ बुक। नेहा एक किताब पढ़ती है। इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? इसमें नेहा सब्जेक्ट हो गया। और रीड्स अ बुक क्या हो गया? ये हिस्सा जो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है क्या? नेक्स्ट लिया, राणा प्रताप वॉज ए ट्रू पेट्रियट। तो राणा प्रताप जो है वो सब्जेक्ट हो गए और वॉज ए ट्रू पेट्रियट, एक सच्चे देशभक्त है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। सो ना, मतलब जनरल वे में आप यूं मान लें कि जहाँ से वर्ब वाला हिस्सा स्टार्ट होता है वहाँ से हम ले लेते हैं प्रेडिकेट पार्ट को। समझ आप, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या मेन वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम ले लेते हैं प्रेडिकेट पार्ट। चलिए थर्ड वाले को देखते हैं हम। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो इसमें सम बर्ड्स जो है आपका सब्जेक्ट है और आर फ्लाइंग जो है ऑब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट, लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे लाफिंग सब्जेक्ट है और यहाँ से इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपका प्रेडिकेट है। उसी तरह से टू वॉक इज वर्शिप। तो टू वर्क इज टू वर्शिप। तो यहाँ पे टू वर्क जो है आपका सब्जेक्ट और इज टू वर्शिप, यहाँ से लेकर इज टू वर्शिप यहाँ से यहाँ तक, ये यह आपका प्रेडिकेट पार्ट। ठीक है, चलिए इन द एबव एग्जांपल्स सेंटेंसेस, इन द एबव एग्जांपल सेंटेंसेस, जो ऊपर के आपको उदाहरण दिए गए हैं वाक्य जो है दिए गए सेंटेंस, उसमें नेहा, राणा प्रताप, सम बर्ड्स,
लॉफिंग एंड टू वर्क आर सब्जेक्ट, समझा? ये जो है सब्जेक्ट है। और इसके अलावा वाइल, वाइल रीड्स ए बुक कॉमा वॉच ए टू पैट्रियट कॉमा आर फ्लाइंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड इज टू वर्शिप। हर एक सेंटेंस के पेडिकेट वाले हिस्से हैं, आर पेडिकेट पार्ट्स, समझा? यानी कि कुल मिला के जहाँ से वर्ग की शुरुआत हो रही उसको हम पेडिकेट पार्ट में मान लेंगे। तो ये रहा बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने हिस्से मेनली? सब्जेक्ट एंड पेडिकेट, ठीक है? सब्जेक्ट एंड पेडिकेट। व्हाट इज द सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है? सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सब सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट ए सेंटेंस इज अबाउट। और पिटकेट क्या? द पिटकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है? तो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।